कौन भादो की कुएड़ी माँ चार खेत भाई हल लग चुके हैं, तो ऊपर से मैंने मंडवा डाल रखा है पिसाई करने के लिए। ये रेत है गधेरे की रेत भाई, पहले हरे हरे थे खेत, अब पीले पीले से हो गए। सो हेलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है, और जैसे कि आप लोग अगर कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को बता रखा मैंने भाई खेतों में बुआई स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैं नहीं गया बैलों को घास देने, आज भैया जी जा रखे हैं सुबह, मुझे लेकर जाना है बीज का थैला और भैया जी के लिए नाश्ता लेकर जाना है। तो फिलहाल अभी चाय भी पी लिया मैंने, नाश्ता भी कर लिया, आज मैं घर से ही नाश्ता करके जा रहा हूँ। तो अब उठाता हूँ बीज का थैला और निकलता हूँ भाई मैं भी सीधे खेत में हल लगाने। तो मिलते आप लोगों को आगे फिर सीधे खेत में। फाइनली यार दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं खेत में, और वो चार खेत भाई हल लग चुके हैं। एक खेत मैंने लगाया अभी, और अभी मैं गोबर छान रहा हूं। ये देखो 1, 2 और 3, ये तीनों खेत हमारे हैं, इन तीनों खेतों में अभी गोबर छान रहा हूं मैं, इसके बाद इन खेतों में होगा होगी झुंगरे की बुआई भाई। तो आज देखते हैं कितना हल लगता है भाई, 4, 3, 7 तो ये हो गए, ऊपर भी आए पूरे खेत भाई। लोगों ने तो यहाँ पर बुताई कर लिया है, हम ही लोगों का बचा हुआ है बस। फिलहाल अभी गोबर छानता हूँ यार, इतना बचा हुआ है, ये देखो 3 थुपड़े और बचे हुए हैं गोबर के, ये देखो। तो अभी यार दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं, और आज भाई बहुत ज्यादा लेट आए हम हल से, 11:30-12 बजे हम लोग हल से घर पे आए, खाना खाया, उसके बाद मैं सीधे सो गया 1 घंटे के लिए। उठा और उसके बाद चक्की खराब हो रखी थी हमारी, तो देखा तो उसका कैपेसिटर शायद खराब हो रखा है, तो नया मंगा रखा है, तो देखते हैं अगर वो काम कर जाएगा तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। सारे पार्ट वगैरह खोल के देख लिए मैंने, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, शायद कैपेसिटर ही खराब हो रखा था। सो अभी यार चाय चुई पीते हैं और उसके बाद बोले यार रेत लेने जाना है। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ये छत है ना हमारी, इस पे नीचे से उल्टा प्लस्तर करना है मिस्त्री भैया ने, तो उसके लिए चाहिए भाई बहुत सारे रेत, तो फिर से रेत लेने जाना पड़ेगा। आज इस साइड को नहीं, आज ऊपर की साइड को जाना पड़ेगा रेत लेने, वो भी बहुत ज्यादा दूर। फिलहाल अभी चाय पीते हैं और जस्ट फिर तैयारी है चलने की, तो करते हैं फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू, पहले चाय पी लेता हूं मैं। सो यार दोस्तों चाय चुई भी पी ली है, और मुझे ब्लॉग एडिट करना था जो कि मैंने कर लिया है। और यार मैंने बताया आप लोगों को कि भाई रेत के लिए जाना है, लेकिन मेरी प्लानिंग चेंज हो गई भाई, अभी मुझे छत पे पानी देना है, जो बाउंड्री बना रखी है ना उसे हम डेली पानी देते हैं, तो आज भी पानी देना पड़ेगा। बाकी भैया लोग वगैरह जा रखे हैं रेत के लिए, तो वो थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे रेत, फिलहाल मैं अभी पानी दे देता हूँ यार ऊपर छत की जो बाउंड्री बना रखी है उसे पानी देता हूँ अभी। सो ये रहा भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है पाइप, इसको फिट करते हैं यहाँ पर, इस पर फिट करना है उसको, फिर पहुँचाना है भाई ऊपर, यहाँ से तो नहीं दिख रहा है भाई। और यहाँ नीचे हम लोगों ने प्याज लगा रखी है, ये देखो यहाँ पर इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ से पानी जाता रहता है ना, तो पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। और ये जो आलू हो रखे हैं ना, ये देखो ये 1-2 हफ्ते पहले ही लगा रखे हैं भाई, ये देखो। अब धीरे धीरे जब बारिश नहीं होती ना तो पानी देना पड़ता है भाई डेली आलू को, देखो जितने भी हमारे घर के खेत हैं ना, घर के आसपास के खेत, उनमें आलू लगा रखे हैं। गौशाला के पीछे भी है, और जो हमारा घर है इसके जस्ट बगल में भी है, और घर के नीचे भी है, जो जहाँ पर ये माल्टे का पेड़ है ना उसके बगल में भी आलू हैं। सो अभी पाइप भी लगा दिया है, और ये देखो भाई कितनी सूखी सूखी हो गई है बाउंड्री, क्योंकि यार कल पानी नहीं दिया, बारिश का वेट कर रहा था, क्योंकि बारिश आ गई थी, मैंने सोचा बारिश आ जाएगी उसके बाद मैं लकड़ी लेने चला गया, तो कल पानी नहीं दिया तो पूरा सूख गया। ये देखो यार ढंग से भिगा देता हूँ इसे। फिलहाल ऐसे मौसम अभी देखो ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली होगी, देखो साइड से तो ज़्यादा ही काले काले बादल छा रखे हैं, तो बारिश का वेट नहीं करना यार, बारिश का कुछ पता नहीं भाई आए या ना आए, इसलिए भिगा देते हैं, बारिश आ जाएगी तो और ज़्यादा भीग जाएगा। फिलहाल तो ये पठाल भी छा रखे हैं, उन्हें भी पानी देना है, जो चारों तरफ की बाउंड्री है उसे भी पानी देना है। और ये रहा भाई हमारा गाँव गुणेत, अभी शाम के टाइम पर बड़ा ही प्यारा लगता है यार गाँव, ये देखो। तो अभी यार दोस्तों शाम के 5:30 हो चुका है टाइम, और भाई छत को तो मैंने पानी दे दिया था, और उसके बाद यार फिर से मैं लग गया था भाई, ये 8 एकड़ खराब हो गया था हमारा, फिर से मैं लग गया था उसे बनाने पे भाई। तो फाइनली बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भाई मैंने बना दिया है। सो यार उसकी जो चक्री घूमती है ना उसके अंदर प्लास्टिक फंस गया था, ऊपर से गया था, जैसा अनाज में गई होगी प्लास्टिक की पॉलीथिन ना, तो वो नीचे चली गई थी, तो जो चक्री घूमती है उसके अंदर फंस गई थी वो। तो अभी मैंने देखा यार ये घूम नहीं रहा है, मैंने हाथ से घुमाया उसको, बहुत ज्यादा टाइट हो रहा था, फिर मैंने खोला तो वहाँ अंदर पॉलीथिन का टुकड़ा फंसा हुआ था, जो कि मैंने निकाला, उसके बाद देखो मस्त करके चलने लगी, अभी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। सो ये देखो यार अभी मस्त करके चल रही है, और ऊपर से मैंने मंडवा डाल रखा है पिसाई करने के लिए, देखो
कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अब। पहले मैंने सोचा शायद उसका जो कैपेसिटर होता है ना वो जल गया है, वो खराब हो गया है, तो नया मंगा रखा है। वो यहाँ मार्केट में भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर से चेक किया। मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो पक्का है। क्या हुआ बिचड़े? इसलिए मैंने दोबारा से चेक किया तो अब जाके ठीक हो गया यार। आटा मेकर खराब होने से दिक्कत ही आ रही थी कि आजकल हल्का सीजन है तो भाई बैलों के लिए पिंडा ले जाना पड़ता है, तो पिंडे की पिसाई कहाँ करनी थी भाई, दिक्कत ये आ गई थी भाई। अभी एक चुड़ैल आ रखी है यहाँ पर है। क्यों रुला रहे थे उसको? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? बोल अरब, हेलो गाइस बोल। और अभी यार दोस्तों जस्ट वही सनसेट भी होने ही वाला है। ये देखो अभी देखो हाफ सन दिख रहा है, बस थोड़ी देर में धूप का लापता हो जाएगा भाई। मैंने सोचा बारिश आएगी लेकिन नहीं आई बारिश। हल्लो कर रहे हैं हैं, कपाप किले की तेर हैं अनमट का से तू सिक्की लगी ये किले की तेर इधर की थी ये किले की थी गुलाब इधर की थी ये किले की हैं। पता नहीं क्या लगा रखा उसने, मुझे लगा कहीं गिर गई थी। मिट्टी भी लग रखी है, ये क्या लग रखी है? मिट्टी कहाँ से लगी तेरे पे? मिट्टी भी लग रखी है उसके गाल में और लाल लाल पता नहीं लिपस्टिक वगैरह क्या लगा रखी है उसने, मुझे लगा ऐसा लग रखी है उसपे चोट हैं। और मैंने कहा था यार भैया जी वगैरह रेत लेने जा रखे हैं, तो ये देखो एक राउंड लेकर आ चुके हैं। मैं बताता हूँ कहाँ से लेकर आ रहे हो भाई, ये रेत है गदेरे की रेत भाई। मैं बताता हूँ कहाँ से लेकर आ रहे हो, तो ये देखो ये रहा गाँव और ऊपर ये देखो ये जो मंदिर है ना उसके पल्ली साइड भाई, पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के भाई छान के भी वहीं से लेकर आ रहे हैं। तो देखो इस रेत में और जो रेत हम यहाँ से पास में लेकर आए थे ना खोद के, उस रेत में बहुत ज्यादा फर्क है भाई। देखो उस रेत में बहुत ज्यादा मिट्टी की लीद है और इस रेत में देखो, इस रेत में नहीं है भाई। ये देखो मस्त रेत है, इसीलिए यार वहाँ की रेत नहीं मंगाई, ऊपर से रेत मंगाई भाई अभी। सो अभी जब तक मैं छत में पानी दे रहा था और आटा मेकर बना रहा था, तब तक मैंने फोन बाहर पे रखा था और वीडियो भी भाई आज की पब्लिश कर दी है भाई, अपलोड भी कर दिया। एडिट तो मैंने थोड़ी बहुत कल रात को कर दी थी, थोड़ी बहुत मैंने हल से आके की और उसके बाद भी अपलोड कर दी। तो आज ब्लॉग अपलोड करने की नो टेंशन, शाम को मस्त करके आई फेल देखूंगा, कहीं भी जाऊंगा कोई टेंशन नहीं। नहीं तो यार अगर मैं कहीं रहता हूँ ना बाहर घर से बाहर तो टेंशन हो जाती है यार, क्योंकि यार मैं फोन से ना ब्लॉग अपलोड नहीं करता, मैं लैपटॉप से ही ब्लॉग अपलोड करता हूँ और फोन बाहर पे वाईफाई कनेक्ट रहता है मेरे लैपटॉप से, तब जाके ब्लॉग अपलोड होते हैं। और जैसे ही मेरी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुई वैसे मैंने फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड कर दी, तो दोनों जगह भाई वीडियो अपलोड हो चुकी है। यूट्यूब की वीडियो शाम के 8 बजे तक पब्लिश हो जाएगी। और फिलहाल यार मैं सोच रहा हूँ अभी आज क्यों ना फिर से पियानो बजाया जाए भाई, दो दिन से फिर से मैंने पियानो नहीं बजाया। ऊपर देखो ये रखा पियानो, ये रखा गिटार और यहाँ ढोलकी चिमटा वगैरह सब थे, लेकिन लड़के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर गए। जैसे होली का सीजन आया था ना तो होली के टाइम पे मांग मांग के ले गए थे, उसके बाद वापस ही नहीं दी भाई किसी ने। तो अब थोड़ा बहुत पियानो बजाते हैं। इनके काम देखो जरा, गिरोगे ना वहां से, सर फूटेगा नीचे, यहाँ क्यों जा रहे हो वहां पर? और वो भी सीख रहा है फिर तुमसे। क्या बना दिया? और यार मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि भाई जौ की जो फसल है ना वो पकने वाली है, तो भाई पक के तैयार हो चुके हैं। देखो खेत पीले पीले हो चुके हैं, पहले हरे हरे थे खेत, अब पीले पीले से हो गए क्योंकि जौ पक चुके हैं और 2-4 दिन में लोग स्टार्ट कर लेंगे भाई जौ की कटाई करना और उन्हें घर पे लाना भाई, तो वो सब भी मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। फिलहाल तो अभी खेतों में सरसों पक गए हैं, तो लोग आजकल लगे हुए हैं सरसों निकालने पे। सरसों को हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं दैना, उसका तेल बनता है सब्जी। चुप
ये तो बोल ही नहीं दे रहे मुझे, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, देखो तो दहना सब्जी दाल वगैरह में तड़का लगाने के काम आता है भाई। तो अभी यार दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और अभी जस्ट मैं रोटी खा के भी आ चुका हूँ और आज के ये वाला ब्लॉग यार एंड करने का टाइम भी आ चुका है, तो आज के ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा बीपाड़ी का। तो अगर आप लोग बीपाड़ी के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अगर आप लोग पुराने हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दबा के शेयर करना, इसी टाइप से आगे भी बीपाड़ी को सपोर्ट करते रहना, बीपाड़ी की वीडियोज देखते रहना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल इसी टाइप से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए बीपाड़ी के नेक्स्ट ब्लॉग का। टाटा गुड बाय एंड गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।